हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीस और मैं आपसे आज बात करने वाला हूं लावा A68 के बारे में। ये जो फोन है फ्रेंड्स, ये 4500 के लगभग प्राइस में आ रहा है और इस प्राइस रेंज में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूं और साथ साथ मैं अपना ओपिनियन भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो हम देख लेते हैं। इसका डिजाइन की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका डिजाइन। इसका जो बॉडी है वो प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ है और पीछे में थोड़ा ग्लॉसी लुक दिया गया है और जो नॉर्मल जो मोबाइल रहता है लावा का वैसा ही बना हुआ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए डिज़ाइन। अगर डिस्प्ले की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका जो डिस्प्ले है FWVGA डिस्प्ले है 4.5 इंच का, जिसका रेजोल्यूशन 800x480 का होगा। और अगर हम बात करें इसके इंटरनल पार्ट की, इंटरनल पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा 8 GB का इंटरनल मेमोरी, जिसको आप 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं SD कार्ड के साथ, और साथ साथ आपको 1 GB का रैम भी मिल रहा है। और प्रोसेसर जो होगा वो 1.2 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर इसमें मिल जाएगा। अगर हम कैमरे की बात करें तो कैमरा जो है आपको 5 MP का बैक कैमरा मिल रहा है विद फ्लैश। फ्रंट कैमरा आपको VGA कैमरा मिलेगा जिसमें आपको फ्लैश मिलेगा साथ साथ। और अगर हम इसके बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी जो है आपको 1750 mAh का बैटरी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया पूरा इसका स्पेसिफिकेशन। अगर हम बात करें अदर स्पेसिफिकेशन की, मतलब इसमें क्या क्या है अलग से, इसमें 4G दिया गया है, ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर करता हूँ इस फोन के बारे में। 4500 के प्राइस में ये आ रहा है। अगर हम दूसरे फोन्स की बात करें इसकी तुलना में, तो दूसरे फोन्स बहुत ही अच्छे हैं। इंटेक्स का अगर ले लेते हैं, इंटेक्स बहुत अच्छा है इससे, इस प्राइस रेंज, इसके मतलब आसपास प्राइस रेंज में है, लेकिन वो बहुत अच्छा है, वो आप खरीद सकते हैं, ये ना खरीदें इतना मैं बोलना चाहूंगा। क्योंकि इसका जो बैटरी है बहुत ही गंदा है, 1750 mAh बैटरी दे रहा है, एकदम बहुत ही कम है। प्रोसेसर ठीक ठाक है इस प्राइस रेंज में अगर बोला जाए तो। अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा मतलब कंपनी क्या सोचती है कि सिर्फ फ्लैश दे दो बस हो गया काम। मतलब VGA कैमरा में क्या इंसान क्या खींचेगा अपना फोटो, ये कंपनी को सोचना चाहिए। कम से कम 2 MP या 1 MP भी दे दे, लेकिन वो नहीं करेगी कंपनी। VGA कैमरा में फ्लैश दे रही है आजकल, तो ये तो बहुत बेकार की बात हो गई, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी है, तो ये फोन आप अगर ना खरीदे तो ही अच्छा है। इंटेक्स का बहुत सारा ऐसा प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा अच्छा अच्छा फोन, वो आप ले सकते हैं। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा इस फोन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए।